जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ज्योतिष की जानकारी और पौराणिक कथाओं की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम सूर्य भगवान के ऊपर बात करते हैं कि ज्योतिष के अनुसार जिन जातकों का सूर्य दूसरे भाव में होता है उनके जीवन पर सूर्य का क्या प्रभाव पड़ता है, शास्त्रों में इसके ऊपर क्या विषय क्या विचार किया गया है। तो सबसे पहले एक संस्कृत में श्लोक इसके ऊपर लिखा गया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। कि धने यस्य भानु सभाग्याधिका स्यात्, जिसका धन भाव में मतलब दूसरे स्थान में सूर्य होता है वह बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है। चतुष्पाद सुखम सदव्यय स्वयं च जाति, और उसको चतुष्पाद सुख की प्राप्ति होती है, माने उसके पास पशुओं का समूह होता है जिससे उनको उसको सुख की प्राप्ति होती है, सवारी के लिए घोड़ा होता है, इस तरह के सुख प्राप्त होते हैं। और आज के समय में हम इसे इस तरह ले सकते हैं कि उसको पशुओं से लाभ होता है, दूध वाले पशुओं से लाभ होता है, और उसको सवारी का सुख प्राप्त होता है, गाड़ी का सुख प्राप्त होता है उसको, और वाहन सुख ऐसा जातक प्राप्त करता है। कुटुम्बे कल ही जाए आ जाए ते भी, और तीसरी लाइन में कवि ने कहा है कि कुटुम्बे कली, उनके परिवार में कलह रहता है, कुटुम्ब में परिवार में उसके कलह होता है, और स्त्री के साथ भी उसका कलह होता है, उसकी पत्नी के साथ भी उसका कलह होता है, जिसके दूसरे भाव में सूर्य हो और खासकर अकेला सूर्य हो तो उसके ऊपर ऐसा प्रभाव होता है। परिवार में कलह, स्त्री के साथ कलह, और अक्सर ऐसे घरों में स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, उनको कोई ना कोई कष्ट लगा ही रहता है। क्रिया निष्फल आयाति लाभस्य हेतु, और चौथी लाइन में ऋषियों ने महामुनियों ने लिखा है कि ऐसा व्यक्ति धन की प्राप्ति के लिए लाभ के लिए अगर कोई कार्य करता है तो उसमें उसको असफलता ही मिलती है, ऐसा प्रयास उसका निष्फल हो जाता है, ये शास्त्रों का मत है। तो सबसे पहले कि ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, और उसके बाद उसको वाहन के सुख की प्राप्ति होती है, और तीसरे नंबर पर उसके घर में कलह होता है, परिवार में कलह रहता है, स्त्री के साथ भी उसका कलह रहता है, और उसके बाद अगर वह धन लाभ के लिए कोई कार्य करता है तो उसको हानि का सामना करना पड़ता है, उसका प्रयास निष्फल हो जाता है। तो और विचार करते हैं कि ऐसा जातक यदि सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहे, सेवा आदि के कार्य करे, गरीबों की सेवा में दूसरों की भलाई के कार्य करे, तो उसको बहुत लाभ होता है और यश की प्राप्ति होती है, उसका नाम हो जाता है। यदि ऐसा जातक गरीबों के लिए दान करे, कुछ न कुछ दान करता रहे, तो वह उतनी ही सफलता जीवन में प्राप्त करता है। ऐसे जातक के शत्रु 11 दिन में, 11 महीने में या 11 साल में नाश को प्राप्त होते हैं, कष्ट को प्राप्त करते हैं। दूसरे भाव का सूर्य जो होता है वह गुरु के अधीन होता है, जिस कारण ऐसे जातक उच्च पद प्राप्त करते हैं, कोई सरकारी कार्यालय में उच्च नौकरी प्राप्त करते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं। यदि ऐसे जातक के कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य हो और अष्टम भाव में यदि इनके शनि हो तो इनको किसी से कोई चीज दान नहीं लेनी चाहिए, कोई भी वस्तु फ्री में नहीं लेनी चाहिए। अगर यहां सूर्य अकेला हो, दूसरे भाव में साथ में कोई ग्रह न हो, तो
इसका प्रभाव शुक्र के ऊपर बहुत बुरा पड़ता है, शुक्र नष्ट हो जाता है, स्त्री सुख में कमी आ जाती है और ऐसे जातक को गुदा संबंधी रोग परेशान करते हैं, जैसे बवासीर आदि रोग इसको जातक को परेशान करते हैं। तो ऐसे जातक को क्या सावधानी रखनी चाहिए कि धन संबंधी झगड़ों में ना पड़े, स्त्री संबंधी झगड़ों में ना पड़े और जमीन संबंधी झगड़ों में ना पड़े, क्योंकि इन तीन प्रकार के झगड़ों में ऐसे जातक का धन जो है वह नष्ट हो जाता है। धन का और स्त्री और जमीन, इन तीन तरह के झगड़ों से इनको दूर रहना चाहिए। और इसका एक छोटा सा उपाय भी है, अगर लगन से दूसरे भाव में धन भाव में सूर्य अकेला हो और घर में स्त्रियों की दशा दयनीय हो, स्त्री से झगड़ा रहता हो, स्त्रियों का आपस में कलह रहता हो, तो ऐसे समय में दूसरे भाव में सूर्य के साथ शनि को भी कायम करना चाहिए, जिसे कायम करने का उपाय है धर्म स्थान में शनि की वस्तुएं दान करना, जैसे बादाम तेल, सरसों का तेल, बादाम, नारियल, ये चीजें धर्म स्थान पर दान करनी चाहिए। अक्सर इन जातकों की स्त्री की सेहत खराब रहती है और ससुराल के हाल जो हैं वो भी ज्यादा अच्छे नहीं हुआ करते। ऐसे जातक दूसरों के काम आने वाले व्यक्ति होते हैं, दूसरे लोगों की हर संभव मदद करते हैं और ऐसा जातक सुखी और दाता बनकर रहे तो इनको किसी प्रकार की कमी नहीं आती। आजकल लोग कई बार ऐसा कहते हैं कि मैंने दूसरे के लिए बहुत कुछ किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो कि मुझे बड़ाई नहीं मिली। ऐसा इन दूसरे सूर्य वालों के साथ अक्सर खासकर होता है, ये दूसरों की भलाई करते हैं लेकिन बदले में इनको अपजश ही मिलता है, माने बड़ाई नहीं मिलती। दूसरे लोगों की भलाई करते हैं पर दूसरे लोग इनकी भलाई नहीं करते, फिर भी मन में किसी प्रकार का संताप नहीं करना चाहिए। आपकी जो भलाई है भगवान के दरबार में लिखी जा चुकी है, तो भगवान आपको जरूर इसका भला फल देंगे, जिससे आपको उन्नति की प्राप्ति होगी। ऐसे जातकों को लोहे से लाभ होता है, तांबे से लाभ होता है, लोहा और तांबे का व्यापार करने से इनको लाभ होता है और धातुओं से भी लाभ होता है, जैसे सोने का काम करना, चांदी का काम करना, इनको इन कार्यों से लाभ होता है। और ऐसे जातकों का कोई सगा संबंधी अवश्य विदेश यात्रा करता है, विदेश में निवास करता है, वहां पर रहता है। दूसरा, ऐसे जातकों को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी के घर में जाके दूध नहीं पीना चाहिए, कभी किसी से फ्री में दूध नहीं पीना चाहिए, ऐसा जातकों को ध्यान रखना चाहिए, इससे इनको कष्टों का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कभी भी किसी के घर में जाएं वहां दूध ना पिए और कभी किसी से फ्री में दूध ना पिए, कभी दुकान पे जा कहीं भी फ्री का दूध इनको नुकसान करेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से इनके सारे सुख जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अगर दूसरे घर में सूर्य के साथ राहु भी विद्यमान हो तो इसका प्रभाव जातक पर तो बुरा पड़ता ही है, उसके ससुराल के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे ससुराल जो है बहुत कष्ट पाता है और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सूर्य दूसरे भाव में शुभ फल देता है यदि अष्टम भाव में कोई ग्रह ना हो। अगर सामने जहां सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ रही है अगर वहां कोई ग्रह नहीं है तो सूर्य यह शुभ फल प्राप्त करता है। और सबसे बड़ी बात, जातक जितना संतोषी बनकर रहेगा उतना ही जीवन में उन्नति प्राप्त करेगा। तो ये था सूर्य के दूसरे भाव का प्रभाव और उपाय। और ज्यादा ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री